नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूपी उत्तराखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त पूरे देश में हिंसा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंसक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीते ही दिनों दोनों सदनों से नागरिकता संशोधन एक्ट लागू हो गया है। ये बिल पास हो गया है और अब ये पूरे देश में लागू होगा, जिसकी वजह से जगह जगह लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी चिंगारी सुलगी नॉर्थ ईस्ट में, जहां असम, सिलीगुड़ी ये सारे इलाके आते हैं, और इसके बाद ये आग धीरे धीरे राजधानी दिल्ली से होते हुए अनेकों राज्यों में फैल गया। और अब सबसे ज्यादा इसकी आग अगर आप देखेंगे तो यूपी में दिख रही है। यूपी में इस वक्त धारा 144 लागू की गई है, यहाँ इंटरनेट सेवाएं कई राज्यों में स्थगित कर दी गई है। और इसी के साथ आपको ले चलते हैं यूपी के हाथरस में। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यूपी के हाथरस की है, और यहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस कानून के खिलाफ। लोग प्रदर्शनकारी रास्ते पे उतर आए हैं। उन्होंने जुमे की नमाज के बाद पहले नारेबाजी की केंद्र सरकार के खिलाफ, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की और जब ये नहीं समझे, इन्होंने पुलिस पर पथराव भी किए, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा और कई लोगों को, इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लेना पड़ा, जिसके बाद लगातार ये प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग कर रहे थे और केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप भी देखिए हाथरस की ये वीडियो।